हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह से एक मिनी ब्लूटूथ किट को किसी भी होम थिएटर के अंदर किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है। तो इसके ऊपर मैंने पहले ही एक वीडियो बना के रखा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके बता रहा था कि हमें वो समझ में नहीं आया है अच्छे से। तो मैंने फिर से, मेरे पास और एक होम थिएटर आया है, तो इसके अंदर मैं ये वाला जो छोटा वाला जो ब्लूटूथ किट है, जो कि मार्केट में ऑफलाइन मार्केट में सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़ में मिलता है, तो इसको ही हम इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। और इंस्टॉल करने का जो प्रोसेस है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ताकि आपके पास किसी भी तरीके का होम थिएटर है, आप उसके अंदर इस किट को आप बहुत ही आसानी से इंस्टॉल कर पाओगे। तो देखते रहिए इस वीडियो को आखिर तक। तो सबसे पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, और ओपन करने के बाद आपको दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ पर किस तरह से इंस्टॉल करना है इस किट को। तो मैंने इस होम थिएटर का जो सारे जो स्क्रूज लगा हुआ था वो सारे मैंने खोल चुका हूँ, और इसको मैं बाहर निकालता हूँ। और बाहर निकलने से पहले आपको कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। आप देखिए यहाँ पे इस होम थिएटर के अंदर ना ही कोई USB लगाने का सॉकेट है, ना ही कोई और चीज़ है, लेकिन यहाँ पे एक इनपुट के लिए दो यहाँ पे जैक दिया गया है। तो आपको किस तरह से इंस्टॉल करना है इस तरीके का, अगर आपके पास होम थिएटर है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं इसके बाहर निकालता हूँ, और आप देखिए यहाँ पे, और गाइस यहाँ पे आप जो सर्किट लगा हुआ है, और ये जो सर्किट है 20-30 IC का 2-in-1 20-30 IC का ये सर्किट है, तो आपको बहुत ही आसानी हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसको जो सारे जो जैक है उस जैक को मैं खोल देता हूँ, ताकि हमें जो किट है वो इंस्टॉल करने में बहुत ही आसानी हो जाए। तो सबसे पहले मैं एक एक करके सारे चीज़ को मैं खोल देता हूँ। तो आप अच्छे से देखिए, यहाँ पर हमें 5 कनेक्शन की ज़रूरत होगी। ये जो 2 वायर है ये हमें पावर सप्लाई, जो कि हमें 5 वोल्ट देने होंगे इस किट के अंदर। और ये जो 3 वायर आप देख रहे होंगे, एक तो ग्राउंड के लिए और 2 लेफ्ट एंड राइट के लिए। तो ये हमें कहाँ पे लगाना है आपको दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा किट, और इस किट के अंदर हमें डायरेक्टली नहीं देना है जो इनपुट का सिग्नल है, हमें इसके अंदर डायरेक्ट नहीं कनेक्शन करना है। हमें कनेक्शन करना है कहाँ है, जहाँ पर इनपुट हो रहा है, क्योंकि इस ये जो होम थिएटर है, इस होम थिएटर को इस तरीके से बनाया गया है कि हमें यहाँ पे जब सिग्नल इनपुट होंगे, सीधे हमें जो आगे की साइड जो वॉल्यूम कंट्रोल है, जहाँ जिसके ज़रिए आप इसका साउंड इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हो, वहाँ पे साउंड जाएंगे, सिग्नल जाएंगे, और वहाँ पे सिग्नल वहाँ से होके इस सर्किट के अंदर आएंगे। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो साउंड क्वालिटी भी सही रहेंगे, और आपका किट जो बहुत ही अच्छे से काम करेंगे। तो ये क्यों मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछ रहा था और बोल रहा था कि ये किट लगाने के बाद जो साउंड है वो कम हो जा रहा है, तो हमें साउंड आप अच्छे से नहीं बता रहे हो, कनेक्शन किस तरह से करना है। तो इसी वीडियो के अंदर आपको अच्छे से बता दिया कि जहाँ पे आपको साउंड कंट्रोल करने का जो सर्किट लगा हुआ है, वहाँ पर आपको डायरेक्टली इसको कनेक्शन करना है, क्योंकि हमें अगर वहाँ पर लगाया तो इसके लिए हमें और भी अलग से पावर सप्लाई देने पड़ेंगे। तो इसलिए मैंने जहाँ पे डायरेक्टली इनपुट हो रहा है, तो हम यहाँ पे इसको लगाएंगे, और हम 5 वोल्ट यहाँ से दे देंगे इस बोर्ड के ज़रिए। यहाँ पे देख सकते हो, ये हम यहाँ पे हमें 12 वोल्ट मिलेंगे, जहाँ पे एक बड़ा वाला कैपेसिटर लगा हुआ है, और जहाँ पर एक छोटा वाला कैपेसिटर लगा हुआ है आप देख सकते हो, वहाँ पर हमें 5 वोल्ट मिलेंगे। तो पावर सप्लाई हम यहाँ से दे देंगे, और बाकी जो लेफ्ट एंड राइट इनपुट और इनपुट का सिग्नल है, हम यहां से दे देंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को सामने ही इसको कनेक्शन करके दिखाता हूं। तो सबसे पहले जो पावर सप्लाई का कनेक्शन है मैं कर देता हूं यहां पे। अगर आपके सर्किट के अंदर 5 वोल्ट पावर सप्लाई नहीं मिल रहा है, तो आप एक काम कर सकते हो, जो 7805 का जो वोल्टेज रेगुलेटर है, लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर, आप उसको यूज़ करके आप 5 वोल्ट आउटपुट ले करके आप लगा सकते हो। तो ध्यान में रखिएगा ये बात। तो ये हो गया हमारा पावर सप्लाई का कनेक्शन, यानी कि हमारा जो ब्लूटूथ किट है और मॉड्यूलर है, ये हमारा एक्टिवेट हो चुका है। मतलब पावर देने से ही हमारा ये ऑन हो जाएंगे, लेकिन अभी सिग्नल का जो वायर है वो हमें कनेक्शन करना है। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि ग्राउंड कौन सा है, और लेफ्ट और राइट का सिग्नल कौन सा है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए आपको जो आगे की साइड लगा हुआ है यहाँ पर, ये जो सर्किट है आप देख सकते हो कि यहाँ पे इनपुट लिखा हुआ है, और देख सकते हो राइट मतलब ब्लैक वाला जो है वो राइट है, और लेफ्ट वाला ये रेड वाला, और बाकी जो ब्राउन थोड़ा सा एक मतलब डीप थोड़ा सा लाल कलर है वो हमारा ग्राउंड हो गया। तो ब्लैक के साथ हमें क्या लेफ्ट लगाना है, राइट लगाना है। तो चलिए मैं इसको साइड में घुमाता हूँ, और घुमाने के बाद यहाँ पर जो जैक लगा हुआ था वो ये रहा जैक वो, और ये इस तरीके से लगेगा।
इस तरीके से लगेगा, मतलब हमारा जो बीच वाला है वो ग्राउंड है और दोनों लेफ्ट एंड राइट है। तो हमें पता चल गया है कि किस तरह से कनेक्शन करना है। तो मैं थोड़ा सा इसको खोल देता हूँ और कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए आप लोग, मैंने किस तरह से कनेक्शन किया हूँ। तो ये रहा हमारा ब्लूटूथ किट, जो येलो वाला वायर है आप देख सकते हो, ये हमारा ग्राउंड के लिए, यहाँ पे जो बीच में लगा हुआ है ग्राउंड, और यहाँ पे हमने ग्राउंड लगाया दो साइड में, लेफ्ट एंड राइट, आप किसी भी साइड लगा सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और ये हमारा जो पावर सप्लाई है, मैंने यहाँ से पावर सप्लाई दे दिया हूँ कि 5 वोल्ट, और इसके यहाँ पर लगाने से पहले मैंने यहाँ पर 5 वोल्ट सही से मिल रहा है कि नहीं मैंने चेक कर चुका हूँ मल्टीमीटर के ज़रिए। तो अगर आप भी कोई भी चीज़ कनेक्शन करोगे, सबसे पहले आप कंफर्म हो जाओ कि हमें यहाँ से 5 वोल्ट मिलेंगे या नहीं, पहले कंफर्म होने के बाद ही आप कनेक्शन कीजिए, नहीं तो आपका जो किट है वो ख़राब हो सकती है। और ये रहे इसके बारे में, किट के बारे में, पीछे आप देख सकते हो लेफ्ट आउट, ग्राउंड, आर आउट, VCC एंड ग्राउंड। तो सबसे सक्सेसफुली ये कनेक्शन हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, इसको टेस्ट करके देखना है, और टेस्ट करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये हमारा होम थिएटर सक्सेसफुली वर्क कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं सारे कनेक्शन को मैं लगा देता हूँ, जहाँ पे जो भी कनेक्शन किया हुआ था वो सारे मैं सही सलामत यहाँ पे कर दूँगा। आप भी जब कनेक्शन करोगे ध्यान से करिएगा, नहीं तो आपका जो ख़राब हो सकता है अगर एक भी जैक उल्टा लग गया तो। तो मैं सही सलामत इसको लगा देता हूँ जहाँ पे जो भी कनेक्टर लगा हुआ था, ये लगा हुआ था यहाँ पर, ये लगा हुआ था यहाँ पर, लास्ट में हमारा पावर सप्लाई के लिए लगा हुआ था यहाँ पर। तो सारे कनेक्शन हमने कर चुका हूँ, और अब बढ़िया आते हैं कि गाइस इसको हमें किसी सेफ्टी के, जो सेफ्टी चीज़ होता है उसके ज़रिए मैं इसको कवर कर देता हूं, ताकि ये शॉर्ट सर्किट होके ये ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैं इसको कवर कर दूंगा किसी चीज़ के ज़रिए। मैं इस कागज़ के ज़रिए मैं इसको इस तरह से कवर कर दूंगा और इसके अंदर मैं डाल दूंगा। ये आसानी से हो चुका है। तो इसको लगाने से पहले एक बार चेक कर लेता हूं कि ये काम करता है कि नहीं। तो अब हम इसको टेस्ट करके देखेंगे कि सही से ये कंप्लीट हो चुका है कि नहीं, हमारा जो मॉड्यूल है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है नहीं। तो सबसे पहले मैं इसका स्विच ऑन करता हूँ, और स्विच ऑन करते ही आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा इंडिकेटर ग्लो होने लग गया है, और ये हमारे पास मोबाइल फ़ोन है। तो अभी मैं इसको ब्लूटूथ ऑन करूँगा और आपके सामने ही जो भी करूँगा आपके सामने ही, उसके बाद इसका जो डिवाइस है आपको किस तरीके से दिखेगा यहाँ पर स्कैन करेंगे, और ये देख सकते हो कि नीचे जो 3.0 BT वाला जो ऑप्शन आ गया है, ये हमारे जो छोटे वाला किट है, इस तरह की जो किट मैंने अभी लगाया है, इसका जो एड्रेस है वो है 3.0.BT। तो इसको हम कनेक्शन करेंगे, सबसे पहले पेयरिंग करेंगे, और उसके बाद हम देख सकते हो ये कनेक्टेड हो चुका है। तो अब हम जाएंगे मीडिया ऑडियो, उसके बाद हम यूट्यूब में जाएंगे, और आपको कुछ जो कॉपीराइट फ्री सॉन्ग्स है वो मैं आपको चला के दिखाता हूँ। तो गैस अभी जो इस होम थिएटर के साथ कोई भी उफार यानी कि जो एक्सटर्नल स्पीकर्स होते हैं वो नहीं लगा हुआ है, इसलिए आपको साउंड ज़्यादा सुनाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन आपका साउंड क्वालिटी आप देख सकते हो। मैं आपको और भी थोड़ा साउंड ज़्यादा करके दिखा देता हूँ। तो आपने देख लिया कितने आसानी से हमने जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है वो इंस्टॉल कर चुका हूँ, और ये सही सलामत चल भी रहा है।
लेकिन मेरे पास इसका एक्सटर्नल जो स्पीकर्स होते हैं वो नहीं होने की वजह से आपका जो एक्चुअल साउंड है वो नहीं सुना पाया। लेकिन अगर आपको कोई भी सवाल है इसके रिलेटेड तो आप मुझे पूछ सकते हो, नीचे इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं जितना जल्दी हो सके मैं आप लोगों को रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। तो सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए।